Welcome to the yet another session on the subject desktop publishing. The topic of today's discussion is Photoshop Toolbox. So in Photoshop Toolbox, we will discuss three tools today that are selection tool, move tool, and magic wand tool. So sabse pehle hum discuss karenge theoretically ki Photoshop Toolbox mein kaun-kaun se tools hote hain, unke naam kya hain, और उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन मूव और मैजिक वॉन्ड टूल्स हैं वो क्या करते हैं. देन विल आल्सो परफॉर्म अ स्मॉल प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट प्रैक्टिकल वी विल बी डूइंग टुमारो. टुडे वी विल डिस्कस द वेरियस टूल्स अवेलेबल इन द फोटोशॉप टूल बॉक्स एंड वी विल डिस्कस द ना यूजेज ऑफ द सिलेक्शन मूव एंड मैजिक वॉन्ड टूल. So let's start the discussion with the introduction to the Photoshop Toolbox. Now, as we have already discussed in our previous class, in the class of Photoshop menu and palettes, the tool palette is probably the one of the most frequently used part of the Adobe Photoshop. So hamare paas ek tool palette rehta hai. टूल पैलेट में हमारे पास हम जो फ्रीक्वेंटली टूल्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सारे वहां पे रहते हैं. एंड इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द फोटोशॉप, अगर आप फोटोशॉप को नो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी अवेलेबल टूल इन दैट टूल पैलेट. तो फोटोशॉप का जो टूल बॉक्स है, टूल पैलेट है, उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उन सभी का आपको पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो टूल्स करते क्या हैं. अगर आप इन चीजों के साथ क्लियर हो जाओगे एक बार तो फोटोशॉप में फोटोज एडिट करना, क्रिएट करना और फोटोशॉप को एफिशिएंटली यूज करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. सो अगर मैं ये कहूँ कि फोटोशॉप में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट सीरियसली फोटोशॉप में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी फोटोशॉप टूल्स पैलेट या फोटोशॉप टूल बॉक्स. अगर आप इसके साथ फेमिलियर हो गए, सभी टूल्स के साथ फेमिलियर हो गए, तो मान लीजिए कि फोटोशॉप आपने सीख ली. हाँ, फोटोशॉप में आप करोगे क्या, किसी फोटो को कैसे एडिट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. और नई फोटो क्रिएट करनी है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी. बट ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज क्रिएट करोगे या एडिट करोगे, आइडिया तो आपके दिमाग में होएगा लॉजिकल, बट आपको टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस अपने आइडिया को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सको. तो चलिए जी, अब एक नजर डालते हैं फिर फोटोशॉप टूल बॉक्स पे. तो फोटोशॉप टूल बॉक्स यू विल गेट दैट ऑन द वेलकम विंडो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिलेगा. आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. आप इसे सिंगल रो में भी सेट कर सकते हो, सिंगल कॉलम में भी और डबल कॉलम्स में भी. बाय डिफॉल्ट ये डबल कॉलम्स में होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अपना जो वर्किंग एरिया है आपको बड़ा करना है तो आप इस सारे को एक सारे टूल्स को सिंगल कॉलम में भी एडजस्ट कर सकते हो. वो सिंपल सी सेटिंग है दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो आइए जी, अब देखते हैं जी कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके शॉर्टकट्स क्या हैं टू यूज देम. तो जो सबसे पहला टूल है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द मार्की टूल, या इसको हम सिलेक्शन टूल भी बोल देते हैं. This tool is used to select the part or entire image. अगर आप किसी image के particular part को या entire image को select करना चाहते हो तो this is the tool. तो आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही tool नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको तीन options बता दिए, 1, 2 and 3. तो ये कैसे हो गया? तो आप देख सकते हो कि बहुत छोटा सा एक drop down arrow है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपको सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन में, इस ऑप्शन से आपके पास सिलेक्शन के चार ऑप्शंस रहते हैं. रेक्टेंगुलर, अब सपोज कीजिए दिस इज योर इमेज, तो अगर आप कोई इमेज का पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हो या इंटायर इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप रेक्टेंगुलर से
जो आपकी सिलेक्शन होगी वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, लेकिन सर्कल से आप एक पर्टिकुलर सर्कल एरिया को ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम, तो उसके लिए आपके पास है सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। सो बेसिकली दीज आर यूज टू यूज फॉर द सिलेक्शन पर्पसेस, लेकिन इसमें आप फ्री हैंड सिलेक्शन नहीं कर सकते। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आप यूज करोगे या तो रेक्टेंगल, सर्कल, सिंगल कॉलम या सिंगल रो। उसके बाद नेक्स्ट इज लेसो टूल। तो लेसो टूल में क्या है, अगर आप फ्री सिलेक्शन करना चाहते हो, सपोज करो दिस इज योर इमेज और इस इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलरली आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो आएगा लेकिन ये साइड में ये सारी चीजें भी सिलेक्ट हो जाएंगी। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं चाहता हूं सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ना तो आप सर्कल टूल यूज कर सर्कल मार्की टूल यूज कर सकते हो, ना रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, तो आपको ऐसा फ्री हैंड टूल चाहिए जिससे आप बहुत ही इजीली सिर्फ अपना डिजायर्ड एरिया सिलेक्ट कर पाओ। तो ऐसी फ्री हैंड सिलेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं लेसो टूल। तो लेसो में भी तीन है, लेसो टूल, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट है जी क्रॉप टूल। अगर आप क्रॉप करना चाहते हो इमेज को, छोटा करना चाहते हो, पर्टिकुलर सिलेक्शन को अलग करना चाहते हो इमेज से। उसके बाद है जी मूव टूल, अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, शॉर्टकट की है जी उसके लिए, जैसे मार्की टूल के लिए है एम, लेसर टूल के लिए है एल। तो इसके लिए अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो देन यू विल बी यूजिंग द सिलेक्शन टूल। देन क्रॉप टूल हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया हिस्ट्री ब्रश टूल, स्लाइस टूल टू कट द स्लाइस ऑफ द इमेज। उसके बाद है हिस्ट्री ब्रश टूल, देन यू हैव हीलिंग ब्रश टूल, उसमें पैच भी होता है साथ में। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या एरिया को क्लोन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्लोन स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल है। Then you have gradient tool और paint bucket tool। अगर आप selected area को gradient look देना चाहते हो या color change करना चाहते हो तो paint bucket। उसके बाद है eraser tool to delete the particular object, shortcut key is E। तो दो तरह का है आपके पास, background eraser tool and magic eraser tool। उसके बाद है जी आपके पास blur tool, this blur tool। This can be also be of three types, blur tool, sharpen and smudge tool। उसके बाद आपके पास pen tool है जो path create करने के लिए आप use करते हो, जो हम already discuss कर चुके हैं, तो उसमें बहुत सारा हो जाता है। आपके पास pen tool है, free form pen है, add anchor point, delete anchor point, convert point। उसके बाद notes, अगर आप कोई note mark करना चाहते हो। देन दूसरी साइड पे चलते हैं, डॉज टूल है। डॉज में तीन ऑप्शंस हैं, डॉज, बर्न, स्पॉन्ज। टाइपिंग टूल है, यू कैन ऑब्जर्व दिस टी। तो अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो इमेज में, रेक्टेंगल टूल है जिसमें अलग अलग शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, राउंडेड शेप, एक्लिप्स, पॉलीगोनल लाइन, कस्टम शेप। तो अलग अलग अगर आप शेप ड्रॉ करना। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास आई ड्रॉपर टूल अवेलेबल है। So these are the different tools। तो अभी तो सिर्फ आपको शायद नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन करते क्या ये हम अभी तो ये बिल्कुल पता नहीं चला होगा, लेकिन इन सारे टूल्स को जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनका प्रैक्टिकल करेंगे, then you will come to know, you will get familiar with these tools। आपको पता चल जाएगा, इनके नाम याद हो जाएंगे और ये करते क्या हैं, that will be easy for you to remember the all these things। तो वन बाय वन ऑब्वियसली हम इनको डिस्कस करेंगे सभी टूल्स को। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तीन डिस्कस करेंगे टूल्स, एंड दीज टूल्स आर बेसिकली मार्की टूल। तो मार्की के सारे ऑप्शंस, चार ऑप्शंस हैं उसके पास,
उसके बाद है जी मूव टूल, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एंड मैजिक वॉन्ड टूल दैट इज अगेन अ सिलेक्शन काइंड ऑफ टूल. तो सबसे पहले देखते हैं जी रेक्टेंगल मार्की टूल. नाउ दिस रेक्टेंगल मार्की टूल, अगर यहाँ पे आप नीचे इस टूल के यहाँ पे एक आप एरो देख सकते हो कॉर्नर पे, बिल्कुल इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये चारों आपको जो तीन हिडन है वो भी विजिबल हो जाएंगे. पहले पार्ट में क्या ऑप्शन विजिबल होगा, जो आपने करंटली सिलेक्ट कर रखा है. तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, फिर रेक्टेंगल यहाँ नीचे आ जाएगा. अगर आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो ये आ जाएगा. लेकिन बाकी ऑप्शन देखना चाहते हो तो आप इस आपको इस कॉर्नर एरो पे क्लिक करना पड़ेगा. तो पहला है जी रेक्टेंगल मार्की टूल. नाउ रेक्टेंगल मार्की टूल अलाउज यू टू मेक द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑफ द इमेज. तो आप इमेज, इंटायर इमेज या इमेज का कोई पार्ट है, अगर रेक्टेंगुलर उसमें किसी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो, रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना चाहते हो, देन यू विल बी यूजिंग द रेक्टेंगुलर मार्की टूल. उसके बाद है जी इफ यू वॉन्ट टू select the elliptical circle selection in the image, then you need to select the elliptical marquee tool. But the single row marquee tools and single column marquee tool, that these tools allows you to select only single row or column. So single row marquee tools allows you to select a single row of pixels stretching from one side of the image to the other side. So what no, it will allows you to select the single row of pixels from one point to the other point. कैसे करोगे? Horizontally. और इसी तरह से अगर आप pixels को select करना चाहते हो vertically, vertical part कोई single मतलब pixels का part जो है vertically select करना चाहते हो from point A to point B, then you will be using the single column marquee tool. तो मान लीजिए this is your image. तो इमेज में अगर आपने सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली, तो आप यूज करोगे सिंगल रो मार्की टूल. अगर आपको सिलेक्ट करना है ऐसे कॉलम में वर्टिकली, तो देन यू विल बी यूजिंग सिंगल कॉलम मार्की टूल. अगर आपको सर्कल में सिलेक्शन करनी है तो एलिप्टिकल. अगर आपको रेक्टेंगल में सिलेक्शन करनी है देन यू विल बी यूजिंग रेक्टेंगुलर मार्की टूल. और उसके बाद है जी आपके पास मूव टूल. द शॉर्टकट की इज वी. The move tools allows you to move selections and layers around the canvas. So, एक canvas के अंदर move tool से आप selected objects को move कर सकते हो किसी भी हिसाब से from one point to the other point in any direction. The next is magic wand tool. Now, the magic wand tools allows you to select parts of the image that are similar in color. तो मान लीजिए आपकी यहाँ पे इमेज है, उसमें दो कलर हैं. सपोज करो यहाँ तीन कलर्स हैं, चार कलर्स हैं. तो सपोज कीजिए चार कलर्स हैं ऐसे ऐसे, तो अलग अलग कलर्स हैं. तो मैजिक टूल सिलेक्ट करके आप जिस कलर पे क्लिक कर दोगे, उस इमेज में जहां पे भी वो कलर होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. So the shortcut key of magic wand tool is W. तो अगर आपकी इमेज में मल्टीपल कलर्स हैं, magic wand tool क्या करेगा? एक पर्टिकुलर कलर को, पूरे कलर को सिलेक्ट कर देगा आपकी इमेज के अंदर. तो आप एक क्लिक के साथ ही एक पूरा कलर सिलेक्ट कर सकते हो इन योर इमेज. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैजिक वॉन्ड टूल. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. इफ यू वॉन्ट टू मेक अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इन यूर इमेज, यू विल बी यूजिंग द रेक्टेंगुलर मार्की टूल. इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट द एलिप्टिकल पोर्शन ऑफ द इमेज, एलिप्टिकल टूल विल बी यूज मार्की टूल. इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट द सिंगल रो हॉरिजॉन्टली और सिंगल कॉलम वर्टिकली, देन यू विल बी यूजिंग सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल. द मूव टूल इज यूज टू मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन द कैनवस इन एनी डायरेक्शन. एंड magic wand tools allows you to select the particular color in the image. तो आज हमने हमारी discussion हमने यहीं तक करनी है. तो next lecture में we will perform the practical. हम image लेंगे और इन चारों tools को use करेंगे. तो आज हमने discuss किया toolbox और उसकी importance.
various tools available in the toolbox. Then in detail, we discuss the marquee tool that is also known as the selection tool, move tool and magic wand tool. I hope aapko sare concept clear hue.